फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक पे हमारा पेज है एहसास हमारे, इसे ज़रूर लाइक करिएगा। फ्रेंड्स, एक ज़रूरी बात, अगर आप होम अप्लाइंसेस या किचन अप्लाइंसेस में कोई भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप नीचे जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। आज बना रहे हैं नमक पारे की चाट। कभी कभी नमक पारे बनाइए तो यूँ लगता है कुछ और चटपटा सा, कुछ अलग सा किया जाए। तो आज हम इसका कुछ अलग सा क्या करते हैं, डायरेक्ट इसकी चाट बना लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये देखिए नमक पारे हैं, इसको हम जो है एक कटोरी में इस तरह से तोड़ लेते हैं। इसको खूब छोटे छोटे पीसेस करने के बाद इसमें सबसे पहले हम छोला ऐड करेंगे, जिसे हमने मटर का छोला बनाकर रेडी कर लिया है। अगर आप मटर के छोले की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मटर के छोले की रेसिपी पहले ही हमारे चैनल पर पड़ी है, आप जाकर देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इमली की चटनी तैयार की है। इस इमली की चटनी में मैंने इमली को भिगो दिया था एक घंटे पहले, और भिगोने के बाद इसे पानी सहित छान लिया है, उसका गुदा बाहर कर दिया है। फ्रेंड्स, इसमें हमने 2 बड़े चम्मच चीनी मिलाई है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग रख सकते हैं, जितना मीठा आपको पसंद है आप चाहे तो 1 चम्मच डालिए या उससे भी कम डालिए, जैसा मीठा पसंद हो। और 1 चुटकी नमक। और फ्रेंड्स, ये नमक मिर्ची धनिया की चटनी है। इसमें मैंने क्या किया है, नमक मिर्चा धनिया पुदीना खूब अच्छे से पीस लिया है, अदरक का पीस जरा सा डाल लिया था, और इसमें ज़रा सा पानी डाल के गाढ़ा सा एक पेस्ट तैयार कर लिया है। इसमें नमक हमने टेस्ट अकॉर्डिंग डाला है, आप भी अपने हिसाब से डालिएगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। हम इसमें सबसे पहले छोला डाल देते हैं इस तरह से। इस छोले के बाद हम इसमें ये इमली वाला जो पानी बनाया है हमने, इसको डाल देते हैं 2 चम्मच। 1 चम्मच ये नमक मिर्ची वाला जो पेस्ट है इसे डाल देते हैं। आप ये तीखा होता है इसलिए अपने हिसाब से डालिएगा। साथ ही फ्रेंड्स, कुछ इसमें हम टमाटर भी ऐड कर देते हैं इस तरह से। मिर्ची, प्याज और धनिया की पत्ती। सो फ्रेंड्स, इस तरह से ये चाट रेडी हो जाती है। आप इसमें चाहें तो जो सेम वाली दालमोट आती है उसे भी आप मूंगफली सहित डाल सकते हैं, और इस स्पेशल चाट को आप कभी भी किसी भी समय बनाकर खा सकते हैं। ये खाने में बहुत टेस्टी लगती है। फ्रेंड्स, आप इसे बना के देखिएगा ज़रूर, और हमें कमेंट में बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। सो आगे के लेटेस्ट वीडियो ऐसे ही देखते रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।